नाम की। कैसा नाम? ऐसा अद्भुत नाम पूरी दुनिया की किसी भी भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं, जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है। तीन बार कैसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। क्या बात है! प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा को। और ये संकीर्तन की निरंतरता बन जाए तो साधना है, और साधना निरंतरता बन जाए तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल गई तो इस जिंदगी की सार्थकता है। पूरी दुनिया में ऐसा अद्भुत कोई दूसरा नाम नहीं है, जिस नाम की महिमा में आपके बीच में गाने जा रहा हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दशम दिशाएं महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? मेरे प्रश्नों के साथ जुड़िएगा। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने, मतलब माफ कीजिए हम साहब, हमने राम को अगर माना है तो हमें राम की भी माननी पड़ेगी, क्योंकि राम जी कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो स्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिवाद को अस्वीकार करता। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, मुझे ये विश्वास है कि भीलवाड़ा जो बड़े लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति बड़े बड़े मंचों पर कुर्सियों पर बैठने वाले लोग सामने बैठे हैं, मुझे इस बात की आपके गौरव गरिमा का मुझे पूरा ज्ञान है। इसके बाद इसलिए आनंदित होकर के मुझे पता है कि मैं जहां कविता पढ़ रहा हूं वहां पर इस कविता को बहुत अच्छे से सुना जाएगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? चित्रकूट में पूरा वनवास कर सकता था, एक भगवा उपस्थिति है। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर, इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे तो राम जी समझ में आएंगे। प्रभु अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर, मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी, इसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। सेवक कैसा? राम जैसा। स्वामी कैसा? राम जैसा। भक्त कैसा? राम जैसा। भगवान कैसा? राम जैसा। पिता कैसा? राम जैसा। पति कैसा? राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में जाकर के पूछ लिया, शत्रु कैसा? वाह वाह! प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा को। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था? राम जन्म के हेतु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा तुलसी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक न एका, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, हरि अवतार हेतु जे होई, इदमत्थम कोई जान न सोई। हजारों रामायणें लिखी गई, हजारों कारण बताए गए। इस सुधीर श्रोताओं के मध्य एक कारण पर उंगली रख करके आपका आशीष पाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे, और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। हिरण्यकश्यप को मारना था, एक मिनट में खम्भे से प्रकट हुए प्रभु, मारा और चले गए। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे, और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो,
वो करके हमें दिखाना था। अगली पंक्ति पर मुझे इससे आगे कविता पढ़नी है कि नहीं, ये तय करेगा कि पर भाता है प्रभु को जो, वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना। क्योंकि राम को थोड़ा सा पूरा हमदम तालियां बजाकर बताया कि क्या पंक्ति पढ़ दी गई।